एक प्रभारी सब पर भारी। यूपी के सीतापुर में ये कहावत सच होती नजर आ रही है। सीतापुर जनपद के गोंदलामऊ क्षेत्र में ग्रामीण स्वास्थ्य महकमे की लाचार व्यवस्था के कारण पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। वित्तीय वर्ष में लगभग 100 लोगों की संक्रमक रोगों से हुई मौतें और इस वर्ष भी लगभग 50 का आंकड़ा पार होने के करीब पहुंच चुका है, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य महकमे ने सीएससी प्रभारी पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ जिले में लगातार मौतों का सिलसिला जारी है और इस पर रोकथाम करने में स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से असमर्थ होता नजर आ रहा है। वह इस मामले पर राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी को तत्काल पद से हटाए जाने और इनके विरुद्ध जांच किए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस मामले पर बाबा संतोष दास ने बताया, रिपीट। इस मामले पर बाबा संतोष दास ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर मामले का संज्ञान जल्द नहीं लिया गया तो भारी जनबल के साथ जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करेंगे। गांव में भेज रहे हैं। एक हमारा प्रश्न है उन अधिकारियों से कि एनएम का प्रशिक्षण क्या होता है, एक टीकाकरण है, और क्या वो संवेदनशीलता को समझ सकती है? वो तो दवाई जो आपने दी वो देगी जाकर के, उसकी क्या स्थिति है ये जानने के लिए एक भी डॉक्टर गांव में हमारे आज तक नहीं दिखा। एक बेचारे हैं शुक्ला जी, रुको, एक शुक्ला जी हैं, वो डॉक्टर शुक्ला, वो बाहर मोहली वगैरह के कहीं के हैं, तो उनको बस स्थिति का उतना अनुभव नहीं है। सीतापुर से जनमत न्यूज के लिए अनूप पांडे की रिपोर्ट।